हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं कितने बार आया है। 2020, 21, 22, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, भवदीय जो होता है और यहाँ पे डेट जो होता है, इसको कैसे करना है लास्ट में आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो इसी पे आपका नंबर कट जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि पत्र लेखन किस टाइप से पेपर में आएगा, ठीक है। देख सकते हैं लिखेगा इस टाइप से कि अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष, या मतलब कि नगर पालिका बोल सकते हैं, नगर पंचायत को एक पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा और हर साल ये क्वेश्चन में आता है। तो आपको कैसे तैयारी करना है एक बार समझ लेंगे ना, तो किसी भी तरह से आप लिख लेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी और कॉपी में सबसे पहले मार्जिंग लाइन खींचना होता है। मार्जिंग लाइन जैसे कि ये कॉपी हो गई, दिख रही है ना, इस कॉपी में आप स्केल के माध्यम से मार्जिंग लाइन खींचते हैं ना। मार्जिंग लाइन खींचने के बाद आपको मार्जिंग लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है। वही चीज अगर नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। तो सुटेबल लिखना होता है, अच्छे से लिखना होता है। सबसे पहले इस पत्र लेखन को आपको लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आज ये ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करते हैं तो आपको सेवा में किसी भी बड़े अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी शिकायत पत्र के लिए मतलब की प्रशासन को, तो उसको पहले सेवा में डालते हैं, ठीक है। चलिए पहले लिखेंगे सेवा में, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेवा में डालने के ठीक बाद वहां पे कमा लगाएंगे और उस लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उस लाइन से सेवा में के बाद यहाँ से आपका जो जिसको पोस्ट कर रहे हैं ये प्रार्थना पत्र, उसका यहाँ पे प्रशासन का नाम होना चाहिए। जैसे कि अधिशासी अधिकारी को, यानी कि अधिशासी अधिकारी को हम पत्र भेजने वाले हैं नगर पालिका बलिया, मतलब कि जिस जिले से हैं उस जिले का नाम ऐड भी कर सकते हैं या किसी भी जिले का नाम ऐड कर देंगे, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बलिया इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। इस लाइन के छोड़ने के ठीक बाद अब सेवा में जो लाइन थी ना, उसी के ठीक नीचे इस लाइन में महोदय, तो यहाँ से किसी भी मतलब बड़े अधिकारी को आप रिस्पेक्ट के साथ उसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे, तो महोदय का यहाँ पे आगमन करेंगे। महोदय, मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त, देखिए व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। समझ लेंगे ना, तो किसी भी तरह का आप बना लेंगे, पेपर में आएगा। तो यानी कि ये 6 नंबर का है ना, तो अगर नहीं याद करते हैं फिर भी समझ लेते हैं तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए महोदय लिखेंगे इसके बाद कि मैं आपका ध्यान, मतलब कि जो आपके अधिकारी हैं उसको आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका ध्यान शहर में, जो हमारा यहाँ का कस्बा है, शहर है, उस शहर में व्याप्त मतलब कि काफी गंदगी और दुर्दशा, मतलब कि यहाँ की दशा बहुत खराब है, उसी की ओर आपका ध्यान मैं क्या करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ, यानी कि दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि जिन स्थानों पर, यानी कि जिन स्थानों पर नालियां, जिन स्थानों पर क्या नालियां बनाई गई है, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई है, वे नालियां जो है जगह जगह, यहाँ पे 2 लिखे हैं, इसका मतलब कि जगह जगह से टूट, यानी कि टूट गई है, जगह जगह से क्या हो चुकी है, नालियां टूट गई है। इसके बाद लिखेंगे कि जहां, क्या लिखेंगे कि जहां नालियां हैं, मतलब कि जहां जहां पे नालियां हैं, जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई कर्मचारियों, या कर्मचारी भी बोलेंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। मतलब कि जहां जहां पर हमारे शहर में नालियां टूट पड़ी हैं वहां किसी भी मतलब कि अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको सुटेबल लिखना है। इसके बाद परिणामतः, मतलब कि परिणामतः का मतलब यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको, कि पानी हर समय
सड़ता रहता है, यानी कि जहां भी नालियां टूटी है वहां का पानी निकलेगा ही नहीं, मतलब निकलेगा ही नहीं, तो जाम होगा और जाम होने के बाद वहां का पानी सड़ना स्टार्ट करेगा, तो वही लिखा जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में लिखेगी अतः, क्या लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन करता हूँ ये प्रार्थना में मैं, इस पत्र में मैं, कि निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए, मतलब यहाँ की जो दशा है इसको आप देखते हुए, शहर की सड़कों की मरम्मत, शहर के जितने भी सड़कें हैं उसकी मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। ठीक है, करने की कृपा करें, तो यही चीजें आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। अगर आप चाहते हैं थोड़ा चढ़ा करके भी लिखना दो दो लाइन, तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इतना लिख लेना है। मेन चीज इसमें क्या है, आप ये ध्यान दीजिए, दिनांक, मतलब कि जिस तारीख को आप पेपर हिंदी का दे रहे हैं ना, जिस तारीख को आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं उस तारीख को डेट लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ आपका पेपर 24 फरवरी 2024 को है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डेट को मेंशन कर दीजिएगा, डेट को लिख दीजिएगा, और लास्ट में यहाँ पे भवदीय, भवदीय का मतलब कि जो पत्र भेज रहा है उसका यहाँ पे नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है कॉपी में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अपना कॉपी पे नाम नहीं लिखना है भवदीय में, यहाँ पे अ, यहाँ पे कमा, स, यहाँ पे दो, मतलब क्या ऐसे ही दो तीन वर्ड लिख देंगे, अ ब स द, मतलब ऐसे ही लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एबीसीडी के अक्षर, तो इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तब लिखते हैं, यहाँ पे अ ब स द, कुछ मतलब कि दो तीन वर्ड लिख दीजिएगा हिंदी का क ख ग में से, तो आपका यहाँ पे नाम नहीं लिखना, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, और आप जिस दिन हिंदी का पेपर हुआ यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको सूटेबल लिखना है, जो मैं जानकारी बताया हूँ अच्छे से लिखते हैं तो आपको 6 नंबर पक्का मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।